BITM जाने वाली ट्रैवल एक्सप्रेस कुछ ही देर में चलने वाली है, कृपया सभी अपने उंगली सीट पे बैठ जाइए। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम जो कभी घनश्याम दास बिरला जी के घर हुआ करता था। 5 बीघा लैंड के ऊपर विक्टोरियन स्टाइल से बना इस बिल्डिंग पर जीडी बिरला 35 साल तक रहे थे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र रॉय के रिक्वेस्ट पर जीडी बिरला अपना ये घर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दान कर दिया था ताकि उनके घर को एक साइंस म्यूजियम में तब्दील किया जा सके। BITM, a unit under National Council of Science Museum, Kolkata ka educational headquarters. अभी तक यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग काम करता है। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में सभी तत्वों को समझाया जाता है। यहाँ पर है 30 से ज़्यादा साइंस गैलरी, जिनमें है जियोग्राफी, इनर्शिया, मैथमेटिक्स, रिफ्लेक्शन, लाइट, टेलीविजन, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल कोल माइन, 3D हॉल, बायोलॉजी, बोटानी, फिजिक्स, डिजिटल वर्ल्ड, मेटल, इलेक्ट्रिसिटी, हीट जोन, हवा रिलेटेड, साउंड रिलेटेड एटसेट्रा। इसके अलावा है तरह तरह के साइंटिफिक केमिस्ट्री म्यूजिक शो। नॉर्मली म्यूजियम का एंट्री फी है 50 रुपये। अगर आप संख्या में 25 से ज़्यादा एक ग्रुप बना के आते हैं तो फिर पर हेड होगा 40 रुपये करके। मैजिक शोज के लिए अलग से लगता है, मैक्सिमम 10 रुपये करके, सिवाय 3D शो के जो कि है 30 रुपये पर हेड। इसके अलावा है एक पैकेज सिस्टम जिसमें है एंट्री फी प्लस कोल माइन शो प्लस 3D शो प्लस कोई भी एक साइंस शो, और इस पैकेज का प्राइस होगा 75 रुपये करके पर हेड। और अगर आप 25 वाले ग्रुप के साथ आते तो फिर होगा 65 रुपये पर हेड। आप अगर कोई भी कार या बाइक पर सवार होकर आते हैं तो फिर आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा भी दिया जाएगा। कोई भी किसी तरह का कार के लिए 40 रुपये और बाइक के लिए 20 रुपये पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा।
ये म्यूजियम नॉर्मली एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए म्यूजियम के साथ स्कूल्स और इंडस्ट्री का एक मेंबरशिप बना हुआ है। उन लोगों के लिए म्यूजियम कॉस्ट कुछ हद तक कम होता है। म्यूजियम आने के लिए आपको बालीगंज स्टेशन से ऑटो पकड़ना पड़ेगा और फिर मेन रोड उतर के बस या फिर ऑटो से डायरेक्ट बीआईटीएम घूमने के बाद वापसी के लिए बीआईटीएम से आपको सियालदह जाने वाली बस मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो बीआईटीएम से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक सुंदर सा मंदिर है, उसे देख सकते हैं। जिस दिशा से आप आए थे उसी दिशा पर आपको 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर वो मंदिर दिख जाएगा। उम्मीद है ये म्यूजियम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस म्यूजियम को एक लाइक कर दीजिए और ब्लॉग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। BITM, bye bye।